हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज नंबर्स एनालॉजी का सेशन। चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है कि जिस तरह से 6415 का रिलेशन 5304 से है, उसी तरह 7896 का रिलेशन किससे होगा? जिस किसी को भी इसका आंसर पता होगा पिन कमेंट कर सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकलेगा। देखो, 5 में से -1 किया 4 आया, उसी तरह 1 में से -1 हो रहा है 0 आ रहा है, 4 में से 1 माइनस किया 3 आया, और 6 में से अगेन ये -1 कर रहा है तो 5 आ रहा है। सेम लॉजिक यहां लगेगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो जिस ऑप्शन के एंड में 5 होगा वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहां से तो गलत हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 जब 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है कि 456 का रिलेशन जो 15 के साथ है, उसी तरह 789 का रिलेशन किसके साथ है? ऑप्शन आपके सामने ये है, फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 18 और लास्ट ऑप्शन है 24। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया है इसके सारे डिजिट्स को प्लस कर देना है। 4 प्लस 5 प्लस 6 करेंगे तो 15 आएगा, उसी तरह 7 प्लस 8 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा, 3 का रिलेशन है 243 के साथ, उसी तरह आपको बताना है कि 5 का रिलेशन किसके साथ होगा। पांच चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, 405 है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 465, थर्ड ऑप्शन है 3125 और लास्ट ऑप्शन है 546। जिस किसी को भी इसका आंसर सही पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3^5 करेंगे तो आप आता है आपके पास 243, उसी तरह 5^5 करेंगे तो आपके पास आएगा 3125। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया कि 6 का रिलेशन है 18 के साथ, 6 का रिलेशन है 18 के साथ, आपको बताना है कि 4 का रिलेशन किसके साथ होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 9 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 16। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि हमने 6 का स्क्वायर किया, तो 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36। 36 के दो डिजिट हैं 3 और 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18। उसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा आपके पास 16। 16 के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका सही आंसर है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर यहां पर डी दिया है वो बिल्कुल गलत रहेगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर यहां पर डी नहीं होगा, इसकी जगह आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है 1 का रिलेशन है 4 के साथ, उसी तरह आपको बताना है कि किसका रिलेशन 64 के साथ होगा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 14, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास 65,
थर्ड ऑप्शन है 27 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 880। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे और निकलेगा और क्या होगा। अगर आप इसको देख रहे हैं वन का स्क्वायर है ये, उसी तरह ये आपके पास टू का स्क्वायर है, ये आपके पास एट का स्क्वायर है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये फोर का क्यूब है, ठीक है। उसी तरह आप ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी को देखोगे तो वो 27 है, 27 यानी कि आपके पास ये 3 का क्यूब है। तो जो आपके पास गिवन है उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का स्क्वायर दिया हुआ है या किसी ना किसी चीज का क्यूब दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जिसमें थर्ड 3 का क्यूब दिया हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या डी तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं और क्वेश्चन आपके पास है ये कि 18 का स्क्वायर है 30 के साथ, आपको बताना है कि 36 का रिलेशन किसके साथ होगा। जिस तरह 18 का रिलेशन है 30 के साथ, आपको बताना है कि 36 का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 64, सेकंड ऑप्शन है 66, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 54 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 62। लास्ट ऑप्शन आपके पास है 62। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 30, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36, 36 में से आप लोग अगर 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 30 यानी कि 30। उसी तरह 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 72, 72 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 66। इसका मतलब है कि आपका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन आपके पास है कि 0.16 का रिलेशन है 0.0016 के साथ, आपको बताना है कि 1.02 का रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 10.20, सेकंड ऑप्शन है 0.102 एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास है 0.0102, लास्ट ऑप्शन आपके पास है 0.002। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 0.16 को लिख सकते हैं 16/100, उसी तरह 0.0016 को लिख सकते हैं 16/10,000। इसका रिलेशन दिया गया आपके पास, चलिए 102 को लिख सकते हैं, सॉरी 1.02 को लिख सकते हैं 16/100। उसी तरह आपको बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए 16 की जगह 16 रख दिए थे तो उसी तरह 102 की जगह आपका 102 आएगा और यहां 100 का स्क्वायर हुआ था 10,000, तो यहां भी 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0102 यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, 68 का रिलेशन है 130 के साथ, 68 का रिलेशन 130 के साथ दिया हुआ है, आपको बताना है कि किसका रिलेशन 350 के साथ होगा, किसका रिलेशन 350 के साथ होगा। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा 240, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 222, थर्ड ऑप्शन है 216 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 210।
जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सही करने का कौन सा तरीका। 4 का क्यूब करेंगे उसमें अगर 4 प्लस कर देंगे, 4 का क्यूब करेंगे उसमें 4 प्लस करेंगे तो आएगा आपके पास 68। उसी तरह 5 का क्यूब करेंगे उसमें अगर हम 5 ही ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 130, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। 350 की बात करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे उसमें अगर 7 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 350। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब करते हैं उसमें 6 ही प्लस करते हैं तो आपके पास आएगा 222। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 222, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। इसमें दिया क्या गया है कि 169 का रिलेशन है 13 के साथ, आपको बताना है 289 का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 19, सेकंड ऑप्शन है 17, थर्ड ऑप्शन है 27 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 23। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, उसी तरह यहां पर 17 का स्क्वायर होगा, 17 का स्क्वायर होगा 289, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 17 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में दे के रखा है 122 का रिलेशन है 170 के साथ, 122 का रिलेशन है 170 के साथ, आपको बताना है 290 का रिलेशन किसके साथ होगा, 290 का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके पास आपके सामने गिवन है। पहला ऑप्शन है 362, दूसरा ऑप्शन है 299, थर्ड ऑप्शन है 315 और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है 341। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या रहेगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। अगर 122 को आप देखोगे तो ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसी तरह 170 को देखोगे ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 है। 290 की बात करेंगे ये आपके पास 17 का स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब 11 के स्क्वायर के बाद सीधा 11 13 का स्क्वायर हुआ था। उसी तरह 17 के स्क्वायर के बाद 19 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 19 का स्क्वायर प्लस 1, 19 का स्क्वायर आपके पास होता है 361, 361 में 1 प्लस करेंगे तो 362 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि 42 का रिलेशन है 56 के साथ, आपको बताना है कि 72 का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 81, सेकंड ऑप्शन रहेगा 90, थर्ड ऑप्शन है 92 और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है 100। जिस किसी को भी पता होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 42 को आप लिख सकते हो 14 × 3 करके, 14 × 3 करके। 56 को लिख सकते हैं आप 14 × 4 करके। उसी तरह 72 को लिख सकते हो आप 9 × 8 करके। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आएगा 9 × 9, यानी के 81। तो 81 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में ये 19 जो था वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। इसमें देखे क्या रखा है कि 3265 का रिलेशन है 4376 के साथ। उसी तरह आपको बताना है कि 4673 का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। ऑप्शन ए है 2154, ऑप्शन बी है 5487, ऑप्शन सी है 3562 और ऑप्शन डी है 5784। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा और कैसे रहेगा। अगर आप यहां से 5 से 6 तक जाओगे प्लस 1 हुआ है, उसी तरह 3 से आगे जाना प्लस 1 करेंगे यानी कि 4 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 है वो आपका सही है, बाकी के ऑप्शन आपके निगलेक्ट हो गए। जैसे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 6 के बाद प्लस 1 किया तो 7 आया। उसी तरह 7 में आप प्लस 1 करोगे, 7 में 1 प्लस करोगे तो 8 आएगा, 7 में 1 प्लस करोगे तो 8 आएगा। तो आप देखोगे कि यूनिट डिजिट के बाद 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका निगलेक्ट हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। दे के रखा है क्वेश्चन में कि 24 का रिलेशन है 60 यानी कि 60 के साथ। उसी तरह 210 का रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 504, सेकंड ऑप्शन है 343, थर्ड ऑप्शन है 336 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 330। लास्ट ऑप्शन आपके पास है 330। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं। 24 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब -3। 3 का क्यूब यानी कि 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। उसी तरह 60 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब -4 यानी कि 60। 210 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब -6। 216 में से 6 माइनस करेंगे तो 210 आएगा। उसी तरह आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इसमें करना क्या है कि 7 का क्यूब करना है आपको, 7 का क्यूब उसमें से 7 ही माइनस करने हैं। 7 का क्यूब होता है 343, उसमें से अगर 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 336। तो 336 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। देखे क्या रखा है क्वेश्चन में कि 24 का रिलेशन है 60 के साथ। आपको बताना है कि 120 का रिलेशन किसके साथ होगा, 120 का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 160, सेकंड ऑप्शन है 220 यानी कि 220, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 300 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 108। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट में कमेंट आंसर कर दीजिए अपना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जिस तरह 24 का रिलेशन 60 के साथ है, वही रिलेशन आपको बताना है कि 120 का किसके साथ होगा। तो इसमें करना क्या है आपको कि 24 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5/2 के साथ, 5/2 के साथ, तो आपके पास आएगा 60। उसी तरह 120 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 300। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 300 यानी के ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि 7 का रिलेशन है 50 के साथ। आपको बताना है कि 11 का रिलेशन किसके साथ होगा, 11 का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है 100, सेकंड ऑप्शन है 120 यानी कि 120, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 128 एंड लास्ट ऑप्शन है 122। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे रहेगा।
करना क्या है आपको कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49 और 49 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 50 यानी कि 50। उसी तरह 11 का स्क्वायर करेंगे, उसमें आप लोग क्या करना है, 11 का स्क्वायर करेंगे 122 आएगा, 122 आएगा, 121 में 1 प्लस करेंगे तो 122 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 122। 122 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। 5 का रिलेशन है 36 के साथ, 5 का रिलेशन किसके साथ है, 36 के साथ, आपको बताना है 6 का रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 48, सेकंड ऑप्शन है 50 यानी कि 50, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 49 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास है 56। जिस किसी को भी पता है इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आप यहां देखोगे तो ये 6 का स्क्वायर है, मतलब कि 5 के ठीक नेक्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर किया है। उसी तरह 6 के ठीक नेक्स्ट वाला नंबर होता है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 49 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। 182 का रिलेशन किसके साथ है ये आपको बताना है, जिस तरह 210 का रिलेशन 380 के साथ है। ऑप्शन आपके सामने 4 गिवन है, 342 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 272, थर्ड ऑप्शन है 240 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 156। तो जल्दी से जिस किसी को भी आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे दीजिए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर 182 की बात करेंगे तो इसको आप 13 × 14 लिख सकते हैं, 13 × 14। उसी तरह 210 को आप लिख सकते हो 14 × 15, 14 × 15। 380 को आप लिख सकते हो, 380 को क्या लिख सकते हैं आप, 19 × 20, 19 × 20। अगर आप यहां से देखोगे 13 × 14 और ये है 14 × 15, मतलब उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई हुई है। उसी तरह यहां आपके पास आएगा 18 × 19, क्योंकि अगेन यहां 19 × 20 हुआ है, जिस तरह 13 × 14 के बाद 14 × 15 हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 342। 19 × 18 वो आपके पास आएगा 342, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन दिया गया कि 45 का रिलेशन है 36 के साथ, आपको बताना है कि 63 का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 71, सेकंड ऑप्शन है 54, थर्ड ऑप्शन है 61 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 64। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकलेगा। 45 को आप लिख सकते हो 9 × 5, 36 को आप लिख सकते हो 9 × 4, 9 × 4 यानी कि 36। उसी तरह 63 को आप लिख सकते हो 9 × 7, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आपके पास 9 × 6, क्योंकि यहां 5 के बाद 4 से मल्टीप्लाई हुई थी, उसी तरह 6 7 के बाद 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी यानी कि 54 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये है। 5 का रिलेशन है 100 के साथ, 4 का रिलेशन दिया गया है 64 के साथ, यहां 4 का रिलेशन है 80 के साथ, उसी तरह आपको बताना है कि 3 का रिलेशन किसके साथ होगा।
चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 26, सेकंड ऑप्शन है 48, थर्ड ऑप्शन है 60 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 54। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। 5 को 20 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 5 × 20 100 आएगा। 4 को यहां पर 16 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 16 × 4 यानी कि 64। यहां अगेन देखोगे तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया है, 4 × 20 आपके पास आएगा 80। तो सेम इसी तरह यहां पर आपने क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 × 3 आपके पास आएगा 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 48। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। दिया क्या है क्वेश्चन में कि 11 का संबंध है 121 के साथ, 11 का रिलेशन है 121 के साथ, 110 सॉरी ये तीनों एक ही साथ आएंगे। उसी तरह 15 का रिलेशन 225 और 210 के साथ है। आपको बता रहे हैं कि यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 9:81:70, सेकंड ऑप्शन है 19:361:342, थर्ड ऑप्शन है 17:288:272 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 16:255:239। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है और इसका सही आंसर क्या रहेगा। पहले इसने क्या किया कि 11 का स्क्वायर कर दिया है, 11 का स्क्वायर होता है 121। यहां देखोगे तो 15 का स्क्वायर कर दिया है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आगे जो टर्म आएगी उसमें भी स्क्वायर किया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, ये तो हो गया निगलेक्ट, क्योंकि यहां पर 17 का स्क्वायर 288 तो होगा नहीं, 289 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी भी यहां पर निगलेक्ट हो गया क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 255 नहीं होता। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। इसके बाद क्या हुआ क्वेश्चन में, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से 11 ही माइनस कर दिया, आ गया 110। सेम यहां पर लगाया है लॉजिक, 225 में से 15 माइनस कर दिए हैं तो आपके पास आ गया 210। क्या यहां पर 19 माइनस हो रहे हैं, क्योंकि 19 का स्क्वायर करा पहले, 19 का स्क्वायर करा 361 और 361 में से 19 माइनस कर दिए तो 342 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका यहां पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। तो गाइज आज के सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था मैं। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।